सो हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका एस के डी टी एच पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डी डी स्पोर्ट चैनल को कैसे ऐड करें। हालांकि दोस्तों, आपने देखा होगा कि पिछली बार हमने वीडियो अपलोड किया हुआ है डी डी स्पोर्ट के बारे में, ठीक है, लेकिन बॉक्स अलग अलग होने की वजह से हमने यहाँ पर एक और वीडियो बनाया है आपके लिए, ठीक है। तो गाइस, जो पहला वीडियो था वो था 0.51 फ्रिक्वेंसी वाला, यानी जो एल एन बी फ्रिक्वेंसी होती है, अगर आपके डी डी फ्री डिश पर वो जो फ्रिक्वेंसी होती है एल एन बी वो 0.51 है, तो आप हमारा पहला वीडियो जो अपलोड किया हुआ है वो आप देख सकते हैं। लेकिन ये जो वीडियो अब 0.9750 10600 बॉक्स के लिए, जी हाँ दोस्तों, अगर आपके 0.9750 10600 वाला बॉक्स है तब आप ये वीडियो देखकर अपने डी डी स्पोर्ट चैनल को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। और गाइस, 0.51 वाला वीडियो है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, या फिर आपको वीडियो के एंड में उसका लिंक मिल जाएगा। आप 0.51 वाला भी वीडियो देख सकते हैं और आप अपने सेट बॉक्स के अनुसार उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो हाल फिलहाल में हम अपने 0.9750 10600 बॉक्स में ऐड करने वाले हैं। तो गाइस, आपको किसी भी चैनल पर चले जाना, ठीक है, आपको कोई भी चैनल हो सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं आपको किस चैनल पर ऐड करना, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर किसी भी चैनल पर चला जाता हूँ, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मेन्यू बटन को दबा देता हूँ, ठीक है। गाइस, मेन्यू बटन दबाने से पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए गाइस, क्योंकि आपको ऐसे ही नॉलेज वाली वीडियो मिलती रहेगी, ठीक है। अब मेन्यू बटन दबाने के बाद आपको चला जाना है प्रोग्राम सेटअप पर, और यहां पर आपको सबसे ऊपर दिख जाएगा ऐड न्यू प्रोग्राम, ठीक है। तो ऐड न्यू प्रोग्राम के अंदर जाने के बाद अब आपको यहीं से शुरू होती है आपकी प्रोसेसिंग, ठीक है। तो गाइस, यहां पर आप देख सकते हैं एलएनबी फ्रीक्वेंसी 0.9750 10600 रखनी है, ठीक है, इस बॉक्स के लिए, ठीक है। अगर आपके 0.51 0.51 है तो आपको चेंज नहीं करना है, जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी होगी एलएनबी वो ऑटोमेटिकली आपके बॉक्स के अनुसार ही होगी, ठीक है। तब उसके लिए आपको अलग से वीडियो देखना होगा, 0.51 वाला वीडियो आपको देखना होगा, ठीक है, डीडी स्पोर्ट ऐड करने के लिए। अब आपको यहाँ पे 0.9750 10600 हो गए, ठीक है। अब आपको यहाँ पे जो चेंज करना है वो सिर्फ यहाँ पे ट्रांसफ्रिक्वेंसी और सिंबल रेट चेंज करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 0.9750 बॉक्स के लिए आपको यहाँ पे 0.11 जो दिख रहा है 1170, यहाँ पे 1150 कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 1150 कर दिए, ठीक है, और सिंबल रेट के अंदर आपको 29510 करना है। तो यहाँ पर मैंने 29510 कर दिए, ठीक है, ये 0.9750 बॉक्स के लिए, ठीक है। उसके बाद में आपको पोलर टीवी आपको वी रखना है, अगर आपने एच कर दिया तो आपका सिग्नल नहीं आएगा, ये भी आपको ध्यान रखना दोस्तों। जब आप ये फ्रिक्वेंसी कंप्लीट डाल देते हैं, यहाँ पे 22 के ओप, यहाँ पर भी ओप, और स्कैन मोड आपको फ्री रखना, ठीक है। अब आपको एक बात ध्यान रखना, ठीक है, काफ़ी सारे क्या करते हैं, यहाँ पर फ्रिक्वेंसी डाल के ओके प्रेस कर देते हैं, तब इनके चैनल एड नहीं हो पाते, चाहे वो 51.50 वाला बॉक्स हो या फिर 97.50 वाला बॉक्स हो, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, जब आप ये फ्रिक्वेंसी कंप्लीट डाल देते हैं या सबसे नीचे आ जाते हैं स्कैन मोड पर, तब आपको ध्यान रखना है कि आपके सिग्नल आ रहे हैं या फिर नहीं, ठीक है, क्योंकि बॉक्स के साथ में अगर सिग्नल नहीं आएंगे इस फ्रीक्वेंसी पर तब आप ऐड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको यहीं पर रोक देना है इसको, यहाँ पे अब आपको थोड़ा सा अपने छतरी को भी हिला सकते हैं, ठीक है, अगर आपका सिग्नल नहीं मिला, थोड़ा बहुत उधर उधर करेंगे, एल एन बी को घुमाएंगे तब आपका ये सिग्नल आ जाएंगे, ठीक है। अब आपको सिंपल सा ओके फ्रेश कर देना अगर आपके सिग्नल यहाँ पर आ जाते हैं। अब आपको जैसे ही ओके करेंगे तब आपके डी डी फ्री डिश पर 18-19 चैनल ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 18-19 चैनल हमें देखने को मिल जाते हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, वो चैनल हमें कहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो आपको सबसे पीछे जाना है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं एक नंबर पर चला जाता हूँ सबसे पहले, दो, ठीक है, एक नंबर पर जाने के बाद अब मैं पीछे बैक हो जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे चैनल ऐड हुए हैं हमारे डी डी करके ऐसे कुछ नाम से चैनल काफ़ी सारे ऐड हुए, ठीक है। तो अब हम देख सकते हैं यहाँ पर डी डी स्पोर्ट चैनल हमारा है वो कहाँ पर ऐड हुआ, ठीक है। तो गाइस, यहाँ पर जो चैनल था वो क्या होता है, जो ये बॉक्स होते हैं उनके अंदर एक ही बार में एक ही ऐड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पहले से ऐड है, तो यहाँ पर आपको ऐड करना दिखाया नहीं गया, क्योंकि यहाँ पर जो चैनल हमें पहले से देखने को मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चैनल है वो हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। और इसकी फ्रिक्वेंसी आप देख सकते हैं, इस फ्रिक्वेंसी के थ्रू दोस्तों आप अपने डी डी फ्री डिश पर डी डी स्पोर्ट चैनल को ऐड कर पाएंगे और बहुत ही अच्छे मनोरंजन और क्रिकेट के चैनल, जो क्रिकेट है मैच है, वो देख पाएंगे, ठीक है। तो चले गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन।